फायर मैक्स तो है प्ले स्टोर से, तो ये भी चला जाएगा प्ले स्टोर से। क्या डीएच ऋतिक सही है? तो भाई मैं तो चाहता हूँ अब चले जाए प्ले स्टोर से फ्री फायर मैक्स भी चले जाए। क्या ये सब करने की वजह से फ्री फायर मैक्स इंडिया में बैन हो जाएगा? तो हे गाइस, आज भी मेरे पास बहुत सारे न्यूज एंड अपडेट है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले न्यूज की ओर, फ्री फायर का एक यूट्यूबर पीपीएच हर्ष करके है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे टीएसजी ऋतिक और फ्री फायर कॉन्ट्रोवर्सी के लिए। तो क्या क्या बोला आप लोग सुनो। मतलब मैंने अगर टीएसजी ऋतिक के ड्रामे को एक्सपोज किया, उसको क्रिटिसाइज किया, तो इट मीन्स मैं फ्री फायर इंडिया के अगेंस्ट हूँ, मैं इंडिया के अगेंस्ट हूँ, मैं ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट हूँ, मैं एक एंटी नेशनल हूँ। वाह मेरे फ्री फायर के बच्चों, ठीक है। और ऋतिक ये जो काम कर रहा है, ये इंटरनली भी बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता था, लेकिन नहीं, अब पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया था तो कुछ ना कुछ ड्रामा तो करना बनता है ना। ये मतलब इसकी लॉजिकल बातें तो देखो कि अगर फ्री फायर इंडिया नहीं आ रहा है तो मॉडरेटर्स की गलती है, एम्प्लॉयज की गलती है, एडमिन्स की गलती है, सबको गाली पॉइंट पे आ गए, जो मैंने कल की वीडियो में बोला था कि अब हम इंटरनली बात करेंगे, इंटरनली कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, ये है वो है। तो भाई ये काम तुम पहले ही कर सकते थे, अगर तुमको सारी चीजें इंटरनली ही बात करके करना था तो ये फालतू की ड्रामेबाजी क्यों करी। ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे, जब पार्टनर प्रोग्राम में थे तब भी कर सकते थे, फालतू की बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं भाई, फ्री फायर के पिकाचो का मसीहा भी तो बनना था, फ्री फायर इंडिया का रक्षक भी तो बनना था, ई स्पोर्ट्स का रक्षक भी तो बनना था, मॉडरेटर्स से दुश्मनी भी तो निकालनी थी। और हाँ, मॉडरेटर्स से याद आया कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हमारे ऋतिक भाई तो महान है, उन्होंने पार्टनर प्रोग्राम खुद से लीक किया है, और बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि जब ऋतिक भाई ने पहली वीडियो बनाई उनके अगेंस्ट में तो उन्होंने किक कर दी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, मॉडरेटर्स ने इसको इस ड्रामेबाजी से ठीक दो दिन पहले ही पार्टनर प्रोग्राम से खुद से किक करा था, लेकिन ये बात ये किसी भी वीडियो में क्लियरली नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर क्लियरली बोल लेगा तो बच्चों को समझ में नहीं आ जाएगा। और तुमने रेटिंग गिरा के भी, इतनी ड्रामेबाजी करके भी कर क्या लिया, तुमसे रेटिंग तो टस से मस हो ना पाई, 0.05 की रेटिंग भी गिरा ना पाए, और तुम आके बकचोदियां पेल रहे हो। तो जितने भी लोग बोल रहे हैं ये गरीना वाले पेड रिव्यूज खरीद रहे हैं, ये तो गलत है, ये है वो है, भाई वो अपने गेम को बचाने के लिए ही पेड रिव्यूज खरीद रहे हैं। और अगर फ्री फायर मैक्स भी प्ले स्टोर से हट गया ना, तो फ्री फायर इंडिया कभी नहीं आने वाला है, ये तुम लोग भूल जाओ। इसीलिए पेड रिव्यूज खरीद रहे हैं कि फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर पे रहे और फ्री फायर इंडिया को लॉन्च किया जा सके। और चलो मान लो एक बार को तुमने रेटिंग गिरा भी दिया, तो तुम मांग क्या रहे हो, रिप्लाई मांग रहे हो ना। नहीं, एक बार तुम लोग अपना खुद से दिमाग लगाओ कि गेम उनका है, अगर इंडिया में वापस आता है, लोग टॉप अप करेंगे तो वो पैसे कमाएंगे, ई स्पोर्ट्स होगा तो उनके गेम का नाम होगा, उनका गेम बढ़ेगा, भाई उनका नुकसान क्या है, वो क्यों ही नहीं करना चाहेंगे। एक बार खुद से दिमाग लगाओ, तुम उनसे ज्यादा उनके बारे में सोच रहे हो, वाह भाई वाह। हमेशा गरीना के अगेंस्ट खड़ा होकर गरीना को गाली देके उसकी रेटिंग गिरा के तुम कूल नहीं लगते हो, तुम चूतिया लगते हो। कभी अपने गेम के साथ खड़ा होना भी सीखो, जिस गेम को तुम खेल रहे हो कभी उसको सपोर्ट करना भी सीखो। बाहरी कम्युनिटी में कभी देखा है अपने ही गेम को गाली देते हुए, अपने ही गेम की रेटिंग गिराते हुए? नहीं देखा होगा। तुम लोग को समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, तुम्हें जो लगता है वो लगे, जो सच है मैं वही बोलूंगा, बात खत्म हो गई, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं और सपोर्ट करते हैं मुझे। तो गाइस, फ्री फायर का एक क्रिएटर है कलाम भाई, के यूट्यूब चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, और उसने भी फ्री फायर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया। पबजी बैन हुआ था तो पबजी के जितने भी क्रिएटर्स थे सारे लोगों ने मिल करके पबजी के ऊपर आवाज उठाया था। देन फिर पबजी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि पबजी अब किस नेम से आने वाला है और कौन से डेट पे आने वाला है, एंड फिर उन लोगों का पबजी वहां पर फाइनली रिटर्न आ भी गया था। लेकिन इसी तरह जब हमारा फ्री फायर गेम बैन हो गया तो हमारे जितने भी टॉप क्रिएटर्स थे उन लोगों ने इस चीज के ऊपर आवाज ही नहीं उठाया। आवाज उन लोगों ने उठाया जिनके पास वी बैच नहीं था, या फिर जिसका 1 लाख से 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर था, जिसकी वजह से फिर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा फ्री फायर के ऊपर। प्लस आप बहुत सारे बंदे लोगों ने टीएसजी ऋतिक का वीडियो देखा होगा, वो बेचारा अकेले कितना फाइट करेगा गरीना से, ये भी बना रहे कि जाओ प्ले स्टोर में 1 की रेटिंग कर दो एंड फिर गरीना फ्री फायर मजबूर हो जाएगा और उसको रिप्लाई देना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे क्रिएटर लोगों का कहना है, मेरा नहीं, बट असलियत पता है क्या है, आप लोग जा करके उसकी रेटिंग गिरा भी दोगे ना तो आप लोगों को वहां से सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इससे 10 से 20% बस गरीना के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और एक बात यार, हर मंथ ना आप लोगों को पता है रेटिंग भी रीसेट होता है, जिसकी वजह से वो वापस से अच्छा खासा रेटिंग बन जाएगा, एंड अगर उसके बावजूद भी रेटिंग डाउन होता है तो भाई पेड सर्विसेस आते हैं रेटिंग को बढ़ाने के लिए, वो पैसा फेंकेंगे और साथ इस फाइट पे खड़े हो। या फिर आप लोग चाहते हो कि गेम वापस आ जाए और ई स्पोर्ट्स भी फिर से स्टार्ट होना चाहिए ताकि भाई गेमर्स की लाइफ भी सेट हो सके, तो इस गेम के अंदर ना आज से टॉप अप करना सारे लोग बंद कर दो। तो गाइस, आज का लास्ट न्यूज होने वाला है, वी आर गेमर ने फ्री फायर और टीएसजी ऋतिक के कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ बोला। क्या बोला
आप लोग सुनो, बड़े स्केल पे होती है तो फ्री फायर मैक्स भी इंडिया में बैन हो जाएगा। तो देखो मित्रों, फ्री फायर मैक्स इंडिया में ये सब की वजह से बैन होगा या नहीं होगा वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कट ये बात बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्री फायर मैक्स के बारे में इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता कि फ्री फायर मैक्स इंडिया में रन कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता कि आखिर फ्री फायर मैक्स को ऑन कौन कर रहा है। सिंपल सी बात है, जब ये चाइनीज एप्स बैन की लिस्ट आई थी तो बहुत सारे ऐसे एप्स थे जिनके नाम हम लोगों ने आज तक सुने ही नहीं थे, फिर भी अपने इंडियन गवर्नमेंट ने उन एप्स को ढूंढ ढूंढ के बैन कर दिया। और उनके मुकाबले में देखा जाए तो अपना फ्री फायर मैक्स एक बहुत ही वेल नोन गेम है, और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि फ्री फायर मैक्स को इंडिया में खेलने वाली पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इंडियन गवर्नमेंट को फ्री फायर मैक्स के बारे में खबर ही ना हो। सही पकड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या फ्री फायर मैक्स की रेटिंग डाउन करना सही है? देखो मित्रों, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि फ्री फायर मैक्स की रेटिंग जाके डाउन करो, क्योंकि मुझे पता है कि उससे फायदा भी एक्चुअली कुछ नहीं होने वाला है। पहले फ्री फायर मैक्स की रेटिंग 4.4 थी, अभी 4.5 हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अपना टीएचजी